ग्रहों के प्रभाव आपके जीवन के अंदर कैसे उतरते हैं, कैसे आप अनुभव करते हो ग्रहों को और कब कर पाते हो, ग्रह कैसे आपकी जिंदगी के अंदर एक रोल प्ले करते हैं और ये कैसे, कब से ग्रहों की यात्रा शुरू होती है, कैसे डिसाइड होता है कि आपके अगले जन्म जो है वो कहां होगा या पिछला जन्म कहां से था। कुंडली के अंदर तो सभी देखा जाता है ना कि पंचम घर से पास्ट लाइफ देख लो, नाइन्थ घर आपका फ्यूचर बताएगा और फर्स्ट हाउस आपका वर्तमान है। पर आपके जन्म के समय कोई ग्रह उच्च की अवस्था में हो सकता है, कोई नीच की अवस्था में। उच्च की अवस्था यानी कि उसका कंफर्ट जोन और नीच की अवस्था वो अपनी कंफर्ट जोन में नहीं है। अब एक ग्रह है उच्च की अवस्था में है, उदाहरण के लिए सूर्य उच्च की अवस्था में है जिस वक्त एक व्यक्ति का जन्म हुआ, तो इस व्यक्ति को निश्चय तौर से इसके जीवन के अंदर यशमान कीर्ति मिलेगी और पिता का सुख मिलेगा। सूर्य नीच की अवस्था में है तो व्यक्ति जीवन के अंदर या पुत्र संतान सुख से दूर रहेगा क्योंकि उस वक्त ये खुद सूर्य होगा, या पिता का सुख जो है प्राप्त नहीं होगा या पिता से दूर रहेगा क्योंकि उस वक्त सूर्य इनका पिता होगा। और सूर्य क्या बताएगा, यशमान कीर्ति बताएगा। पर ये कहां डिसाइड हुआ, किस वक्त डिसाइड हुआ, ये कैसे डिसाइड हुआ, आपके द्वारा प्रारब्ध कर्म जो कि आप अपने पूर्ण जन्म के अंदर करके आए हो, क्या आपने अपने पिता का उस जन्म में मान सम्मान किया, वो इस जन्म में आपके सूर्य की अवस्था को बताएगा। उसी वक्त आपका जन्म होगा जिस वक्त सूर्य उस स्टेट के अंदर होगा, ये उच्च की अवस्था या नीच की या मूल त्रिकोण किसी भी अवस्था में हो सकता है। किस अवस्था के अंदर सूर्य था जिस वक्त आपका जन्म हुआ, ये कैसे डिसाइड होता है। इस जन्म में बैठ करके हस्बैंड वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड को पीड़ा दे रहे हैं कोई, तो अगले जन्म के अंदर शुक्र की अवस्था क्या होने वाली है, समझ पा रहे हो। इस वक्त शुक्र को डिसाइड कर रहे हो अगले जन्म के लिए और फिर पूछते हो कि पिछले जन्म का क्या संबंध है प्लैनेट्स का। आपके द्वारा किए गए कर्म, जब एक सोल यात्रा जब आपकी कंप्लीट होती है, उस सोल की अर्ज, अब पिता द्वारा किए गए, पिता को दिया गया कष्ट अब पिता वापस लेगा ना, उसको देना तो पड़ेगा ना, इतना तो समझते हो ना, किसी को कष्ट दिया है तो उसको लेन देन तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपका जन्म उसी वक्त होगा जहां पर, जिस वक्त सूर्य की प्लेसमेंट वैसी होगी। अगर आपने पिता द्वारा कष्ट लिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पिता द्वारा कष्ट लिया हुआ है तो उस वक्त आपका उस घर में जन्म होगा जिस घर में बेटा पिता को कष्ट देने वाला है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, कैसे जन्म मरण की जो प्रोसेसिंग है चलती है, कैसे आपके ग्रह जो है बैठते चले जाते हैं, आपकी और मेरी यात्रा चल रही है, किस चीज की यात्रा चल रही है, लेने और देने की यात्रा चल रही है, जो मेरे आपके पास्ट लाइफ में कुछ देना पेंडिंग था वो यात्रा जो है चल रही है। तो ये डिसाइड कैसे होगा आपके इस जन्म में किए गए कर्म। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि हमें सिजेरियन कराना है जी, पंडित के पास चले जाओ। ये गलतफहमी में है वो लोग भी और वो एस्ट्रोलॉजर भी जो कहते हैं कि हमने समय निकाल करके दिया। आपकी बुद्धि ही उस वक्त एस्ट्रोलॉजर की वैसे घूम जानी है और उस सोल ने उसी वक्त जन्म लेना है, जो कर्म उसने पिछले जन्म में किए हैं उसी कर्मों के आधार पर उसको प्लैनेट्स की अवस्थाएं उच्च की नीच की या मूल त्रिकोण मिलेगा। जब हम बात करते हैं, जब हम यात्रा की बात करते हैं, तो हर एक ग्रह के गुणधर्म आपके अंदर उतरते हैं। वो गुणधर्म कैसे होते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर, सौर मंडल के अंदर जो ग्रह उस वक्त जहां मौजूद थे जिस वक्त आपका जन्म हुआ, वो एक फ्रिक्वेंसी पर होंगे, एक फ्रिक्वेंसी पर होंगे, यानी कि हर एक चीज के अंदर एक मूवमेंट है। ध्यान से इस विषय को समझिएगा, जिस चीज के अंदर भी मूवमेंट है उसकी वाइब्रेशन भी होंगी, उसके स्पंदन भी होंगे। तो क्या ग्रहों का सीधा प्रभाव, शनि जी महाराज इतने फ्री बैठे हैं कि भाई कष्ट देने हैं इसी को देने हैं, मंगल इतना वेला है किसी की सर्जरी करानी है, बृहस्पति इतना वेला है किसी को अबंडेंस देनी है, नहीं। पर जिस वक्त आपका जन्म हुआ, आप अगर उस कंफर्ट जोन में हो, ग्रहों की अवस्थाएं उसी कंफर्ट जोन में है, तो आप कंफर्टेबल हो लाइफ के हर एक पार्ट के अंदर। अगर नहीं हो तो आप अपना कार्य सही से नहीं कर पाओगे।
तो इसका अर्थ क्या है कि ग्रह आपकी अवस्थाओं का निर्माण करते हैं और आप अपने जीवन के अंदर जो भी अर्जित करना चाहते हो ग्रहों की परिस्थितियां ये डिसाइड कर जाती हैं। विषय ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हो नहीं मानते, विषय ये है कि आपकी परिस्थिति उस वक्त ग्रहों की अच्छी है कि आपको उस समय भगवान भी भगवान नजर नहीं आता। भगवान होता ही कौन है जी, हम ही है करने वाले।